दोस्तों हम सभी ने ना जाने कितने आर्टिकल्स में ये तो पढ़ लिया है कि कार्तिक आर्यन को जो कार गिफ्ट में मिली है उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और गिफ्ट का नाम सुनते ही आपको ये लगने लगा होगा कि कार्तिक आर्यन को इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग 50,000 से ऊपर के गिफ्ट्स भी टैक्स के दायरे में आते हैं, और 5 करोड़ तक के गिफ्ट पर अगर आप टैक्सेबल स्लैब्स के हिसाब से देखें तो लगभग 40% तक तो आपको इनकम टैक्स ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वार्षिक इनकम में ही ऐड हो जाएगा। अब चूंकि उस कार की कॉस्ट ही लगभग 5 करोड़ थी, तो कार्तिक आर्यन को लगभग 2 करोड़ रुपीज़ एज आ इनकम टैक्स पे करने पड़े होंगे। वहीं जिसने वो गिफ्ट की है उसने अपने 2 करोड़ का टैक्स बचा लिया होगा, क्योंकि वो मैक्लारेन उसने अगर अपने एक्सपेंडिचर में, बिजनेस एक्सपेंडिचर में दिखाया होगा तो नॉर्मली उन 5 करोड़ पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है, और जो 5 करोड़ का वो अगर टैक्स देते जो कि 2 करोड़ बन रहा था, वो 2 करोड़ उनके सेव हो गए। उधर ही कार्तिक आर्यन को वो 2 करोड़ जो कि टैक्सेबल उनकी इनकम थी उनको पे करने पड़े होंगे। सो एट द एंड अगर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एट द एंड यही है कि कार्तिक आर्यन को उस कार के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपीज़ एज आ इनकम टैक्स पे करने पड़े हैं। सो दिस कार इज़ नॉट इन फ्री, जो कि हम सब देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।